जी दोस्तों, फिर से एक बार बॉलीवुड कांपेगा और ऐसा तहलका मचेगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। स्त्री 2 देखी, एनिमल देखी, गदर 2 देखी, ऐसा क्राउड KGF से ज़्यादा, पुष्पा 2 से ज़्यादा दोस्तों का जब मूवी आएगी बॉर्डर 2। सो इधर दोस्तों सोनू निगम की आवाज़ जैसे आती है ना, संदेशे आते हैं, तो सच कह रहा हूँ घूस बम्स आ जाते हैं। उस टाइम हम बच्चे थे, 90s का दौर था, 1990s में आई थी मूवी बॉर्डर, जिसे देखकर दोस्तों हर कोई आंखों में से आंसू नहीं रोक पाया था। और बॉर्डर के टाइम आज भी मेरे को याद है, हमारे पंजाब में एक सिनेमा घर में बम धमाका हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी जब वो मूवी देख रहे थे बॉर्डर 2। तो उन टेररिस्टों ने ऐसा प्लान किया था कि इधर मूवी चल रही है, क्राउड ज़्यादा है, तो वो बम रख गए थे सिनेमा में। खैर, अब मैं उस पल को याद नहीं करना चाहता, मैं इसका दोस्तों आज जैसे ही अनाउंसमेंट क्लिप्स आया है एक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वरुण धवन बोल रहे हैं, तो दोस्तों उधर से मैं थोड़ा निराश हो गया। बट अगर दोस्तों वरुण धवन की जगह विक्की कौशल को दोस्तों अगर ये अनाउंसमेंट के लिए अप्रोच करते ना, तो बात ही अलग होनी थी। तो सच में वरुण धवन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फौजी के रोल में सूट नहीं, क्योंकि उनकी हाइट एक कम थोड़ी कम है, छोटे छोटे हाथ हैं, नन्हे नन्हे पैर हैं, जैसे KRK कहते ही होता है, छोटे छोटे से हाथ है, नन्ना मुन्ना सा बच्चा है वो। एंड गाइस, मुझे दोस्तों क्यों ना कहीं यही वाइब्स आ रही है कि इस मूवी में अभी फुल स्टार कास्ट रिवील नहीं की गई है, इतना ये बता दिया है, सनी देओल और वरुण धवन है। तो अगर दोस्तों सनी देओल के साथ विक्की कौशल होते ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मूवी को ब्लॉकबस्टर करना है आज के दौर में, विक्की कौशल सबसे हिट की गारंटी है। सो दोस्तों, मैंने उनका छलावा का भी एक टीज़र देखा था, मैं दंग रह गया था यार उस बंदे की परफॉर्मेंस देखकर, यार केसरी वाली वाइब्स दे दी थी उस बंदे ने। तो अब इधर दोस्तों वरुण धवन को तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं मिलिट्री के रोल में या किसी भी रोल में, है ना। सो मुझे नहीं, ऐसा होता है एज अ फैन होने के नाते, चाहे किसी का भी हो, हम ये चाहते हैं यार स्टार कास्ट हो ना, विद्युत जम्वाल हो इस मूवी में, विक्की कौशल हो, रणवीर सिंह हो, चाहे बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो मिलिट्री के रोल में अच्छे लगते हैं, तो उनको दोस्तों इस मूवी में लाना चाहिए। और बाकी दोस्तों, इस मूवी की जो स्टोरी है वो सुमित अरोड़ा ने लिखी है, जिन्होंने जवान की लिखी थी, द फैमिली मैन की लिखी थी, स्त्री 2 की लिखी थी, तो वो दोस्तों स्टोरी जब लिखते हैं तो गर्दा उड़ा देते हैं। तो मुझे पता है दोस्तों, जब ये मूवी बनेगी ना, स्टार कास्ट रिवील होगी वो कमांडर के कपड़ों में, तो बिल्कुल तबाही मच जाएगी दोस्तों। लोगों कहेंगे बस बॉर्डर 2 ही देखनी है। हालांकि सनी देओल का टाइम अच्छा चल रहा है, बहुत सी उन्होंने इन 23-24 सालों में बहुत सी फ्लॉप मूवीज़ दी हैं, तो उन्होंने ये आकर अब गदर 2 से कम बैक किया है। उनकी दोस्तों 2025 में 1947 लाहौर 1947 आएगी, जो कि आमिर खान के साथ है, वो भी दोस्तों हिट का एक चांस है, मूवी चलेगी। और मैं आपको बता दूं, ये 2026 में आएगी बॉर्डर 2। और संदेश से आते हैं, जब गाना यार चलता है ना, सच में कहता हूँ खड़े होकर वंदे मातरम जय हिंद कहने को दिल करता है। 26 जनवरी को ही आएगी। सो दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मूवी आएगी तो तहलका मचने वाला है। आप अपना टेक बताना, आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड। सो थैंक यू दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो साथ। टिल देन, बाय बाय।